स्वागत है और अब बात करेंगे कांकेर की, जहां पखांसुर में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के हक पर टाका डाला जा रहा है, जिसका सीता स्वागता उदाहरण कोयली बेड़ा के जनकपुर पंचायत में सामने आया है। पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत सड़क निर्माण मशीनों से कराया जा रहा है और दिन रात मशीन से हुए इस काम के निशान मिटाने के लिए सुबह मजदूरों को लगा दिया गया। ऐसे में मनरेगा का लाभ मजदूरों को कम, पंचायत प्रतिनिधियों को ज्यादा हो रहा है और क्षेत्र में मनरेगा के काम पर मजाक बनकर रह गया है। तो आपको बता दें कि रात में मशीनों से काम कराया जाता है और दिन में कि सबूत ना मिले मजदूरों को लगा दिया जाता है और इस तरह से ये खेल जारी है जिससे मजदूरों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। काफी द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत जनकपुर में रोड की सड़क निर्माण कार्य में मशीन का उपयोग किया गया है और रात में अंधेरे में, तो इसकी पुष्टि हम अपने तकनीकी सहायक संबंधित जो भी है उसको फील्ड में तुरंत भेजेंगे और जो भी वहाँ पर अगर निशान तो पाया जाएगा तो कैप्टन द्वारा कार्य किया गया है और लोगों का बयान भी दिया जाएगा कि मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं। उसके घर पर जो रिपोर्ट हमारे पास आते हैं उसके घर पर हम अगली कार्रवाई लेते हैं। पूछताछ में और पखांजुर से हमारे साथ में संवाददाता अमर मंडल छूट गए हैं। अमर, आखिर क्या कुछ कारण माना जा रहा है कि इस तरह का खेल जारी है, रात में मशीनों से काम होता है दिन में मजदूरों को लगा दिया जाता है? जी, मैं कहना चाहूंगा एक और जहां कोरोना जैसे महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, वही ग्रामीण स्तर के जो मजदूर लोग हैं उनके सहूलियत के लिए सरकार द्वारा मनरेगा जैसे योजना चलाया जा रहा है कि ग्रामीण स्तर और पंचायत स्तर के जो मजदूर है उनको सहूलियत मिले, उनको रोजगार मिले। लेकिन वही पंचायत के सचिव सरपंच द्वारा अपने कमीशन के चलते वही रातों रात मशीन से सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है और जैसे सुबह हो रहा है उस मशीन के निशानों को मिटाने के लिए कुछ मजदूर नामवर कुछ मजदूर लगा के उन निशानों को मिटाया जा रहा है और अपना कमीशन के चलते ये सब सरपंच सचिव द्वारा किया जा रहा है। अमर, पर ये देखने वाली बात है क्योंकि सरकार द्वारा तो हम देखते हैं कि मजदूरों के लिए कितने दावे और वादे किए जाते हैं पर उन तक पहुंचते पहुंचते इतना ज्यादा घोटाला होता है कि उनको उसका लाभ ही नहीं मिल पाता है। जी सही है, एक सरकार इतना बड़ा योजना जमीन स्तर पर चलाने की कोशिश कर रही है लेकिन योजना कागज पर भी रह जा रहा है। स्थानीय अधिकारी और सरपंच सचिव द्वारा अपने कमीशन के चलते मजदूरों को कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है और लगभग कितने मजदूर होंगे जिनके साथ में इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है और लाभ से वंचित रखा जा रहा है? अधिकतर पंचायत में कोई बड़ा ब्लॉक मुख्यालय में करीबन 95 पंचायत है, अधिकतर पंचायतों में इस टाइप का फर्जी हमारा चल रहा है जहाँ रातों रात मशीनों से काम करवाया जा रहा है और सुबह कुछ चंद मजदूरों को उस मशीन के निशान को मिटाने के लिए लगाया जा रहा है और पूरे पैसा को यहाँ सरपंच सचिव द्वारा ये रकम दिया जा रहा है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अमर आपका। और इसी पर हमारे साथ में सरपंच जुड़ गए हैं, शालिग्राम। शालिग्राम, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली